सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपके चचा अब्दुल हमीद की हालत तश्वीशनाक है। सुल्तान अब्दुल हमीद को जहर दिया गया है, वो बिस्तरे मर्ग पर है और मुझे इस्तांबुल बुलाया है, यहूदी बैंक बनाने के लिए महमूद पाशा से मुलाकात करवानी है। खदीजा, अपने बाबा को सिर्फ आप ही राजी कर सकती हैं। उन्हें खत लिखकर हालात से आगाह कीजिए। थियोडोर हर्जल नामी एक मशहूर सहाफी यहूदी कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब हो गया। उसने 5 साल के अंदर यहूदी रियासत बनाने का वादा किया है। मुझे अब इस चाबी की कोई जरूरत बाकी नहीं रह गई है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने वो छुरी मेरी तिजोरी से निकालकर अब्दुल हमीद को दे दी है। ये कैसे हुआ? जहाँ हादसा हुआ था उस जगह एक तस्वीर गिरी थी और तस्वीर में उस लड़की के साथ वही आदमी था जो कल रात नजर आया हमें। यहूदी मजदूरों से 57,000 सोने के सिक्के जमा हुए हैं। उस रकम से पाए तक की स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके एक बैंक बनाने का मंसूबा है। बस इतना बता दो कि हमला करने वाले को देखा था तुमने? जवाब तो मुझे, क्या महमूद पाशा था वो? बताओ। वो लड़की जिसने सुल्तान को जहर दिया था, उसे आज जेल भिजवा दिया गया है। अब्दुल कादिर, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम यहां नहीं हैं, बहुत दूर हैं और मसरूफ भी हैं, आपको सुन नहीं सकते। अब्दुल कादिर, कहें क्या बात है, जल्दी कहें और जाएं यहां से। आप ठीक तो है ना? गुस्से में और बेचैन लग रहे हैं, क्या हार मान ली आपने, क्या हुआ है? बस बहुत हो गया, जब दिल चाहता है यहां आ जाती है नए मशवरे लेकर। हमें तनहा रहने दीजिए, जाइए नाई में। हरगिज नहीं जाएंगे हम, क्या हुआ है बताइए। बाबा को जहर दे दिया गया, हमारे अतराफ में गिद बैठे हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम, कैसे बचाएं आपको नहीं मालूम, वालिदा को कैसे बचाएं नहीं मालूम। आज इस आ गए हम नाई में, समझिए आप। हौसला रखें भाई, आइए बैठिए, मैं आपकी परेशानी कम करती हूँ। हम आपको कुछ बताएं तो क्या आप उसे रास रखेंगे? हमारे पास है ही कौन जिसे बताएंगे नाई में? आपका बोझ हल्का हो जाएगा। बाबा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अब परेशान ना हो आप। हम अपने शौहर को तकलीफ में नहीं देख सकते, इस दरवाजे के पीछे कोई बुरी खबर मुंतजर ना हो या रब।
इस कमरे में क्या कर रही हैं? जिस लड़की ने सुल्तान को जहर दिया उसे अंदर आने की इजाजत कैसे दी आपने? हमने इजाजत दी है। सुल्तान मौसम, अगर आपके दिल की धड़कन रुक जाती तो हमारी भी सांसें रुक जाती मेरे सुल्तान। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा दिल भी जलकर राख हो जाता। हमें मालूम था आप बिल्कुल ठीक हैं। हम जानते थे आप बिल्कुल ठीक हैं मेरे सुल्तान। शुक्र है उस रब का, बचा लिया उसने। लेकिन मेरे सुल्तान, क्यों, आखिर क्यों इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया हमें? जरूरी था ऐसा करना। आसन के कमरे में मौजूद आईने से इसको जहर मिला था, ये उसे मेरे पास ले आई। यानी एक बार फिर किसी ने इरादा किया था हमें मारने का। किसने? उसका आज रात तक मालूम हो जाएगा। ये सारा खेल हमने उस गद्दार को पकड़ने के लिए खेला। हमारी सेहतियाबी के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, ऐसा ना हो कि हमें आपको यहां बुलाने पर पछताना पड़े। आप कागजी कार्रवाई अच्छी करते हैं। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं सारा साहिबा, इसलिए मेरा इरादा है कि रुमेली रेलवे के कुछ शेयर्स खरीदूंगा आती की रकम से। वो क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने इस साल रेलवे के लिए नई मशीनें खरीदने का ऐलान किया है। लोगों का ख्याल है कि ये शेयर ज्यादा कीमती हैं, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। मैं भी सुल्तान की अतिये की रकम से यही शेयर खरीदूंगा। तो मिस्टर हर्जल सरमाया कहाँ लगाएंगे? वो लगाएंगे शिपिंग कंपनी के शेयर्स में। अगर रुमेली रेलवे के शेयर्स की कीमत में गिरावट होगी तो शिपिंग कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मगर रुमेली रेलवे के शेयर्स की कीमत को हम कैसे गिराएंगे? ये जिम्मेदारी जनाब हर्जल की होगी। लेकिन जब मैं अपना ये सरमाया जनाब हर्जल के खाते में जमा करा दूंगा तो मुझे एक छोटी सी जमानत देंगी आप। और क्या है वो जमानत? जब तक शेयर्स मार्केट का खेल खत्म ना हो जाए और जनाब हर्जल अपना बैंक न खोल ले तो मैलिके, जिसे रात को मैं महल से निकालूंगा, उसे जमानत के तौर पर अपने पास ही खुफिया मकाम पर रखूंगा। बिल्कुल नहीं, कबूल नहीं कर सकती ये शर्त। यकीनन कबूल नहीं होगी सारा साहिबा, इसीलिए तो उसे मैं जमानत के तौर पर रख रहा हूँ। सुनिए, अगर ये सारे मामलात अच्छी तरह निमट जाते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छी तरह सोच लीजिए सारा साहिबा। ये सफर बहुत तवील है। सफर के बाद अब्दुल कादिर से मिलना है हमें, इसलिए कोई परवाह नहीं। और आपकी शादी भी तो होनी है। कहां से आया है ये? किसी अस्पताल से आया है सुल्ताना। ठीक है, आप जा सकती हैं। लड़की ने अपनी आंखें खोल ली हैं और होश में आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिदार सुल्तान, ये वक्त इतना भी अच्छा नहीं है कि शुक्र अदा किया जाए। आपके शौहर बिस्तरे मर्ग पर हैं। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे खुशी हो या फिर गम। शुक्र अदा करने के साथ साथ गुनाह की माफी भी मांगनी चाहिए।
जिस रात हमारे सुल्तान को जहर दिया गया आप उस रोज महल में मौजूद नहीं थी, कहां गई थी? आपको जवाब देने के पाबंद नहीं है हम। हमें आपसे सवाल करने का पूरा हक है। अभी हरम का इंतजाम हमारे हाथ में है, शायद फिर किसी वजह से महल से बाहर जाना पड़ जाए, इसीलिए आपके साथ एक मुहाफिज तैनात कर देते हैं आपकी भलाई के लिए। आप अपने काम से काम रखिए सनेहा सुल्तान, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए बिदार सुल्तान, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, फकत इसलिए हमें जिम्मेदारी दी गई क्योंकि आप नाकाम रही। वो आसन नामी लड़की जहर अपने साथ नहीं ला सकती, यकीनन उसे जहर किसी ने बाहर से लाकर दिया होगा, और जहर उस वक्त लाकर दिया गया जब हरम सरा की आप जिम्मेदार थी। उस लड़की को जहर हमने लाकर दिया था सनेहा सुल्तान, यही कहना चाहती है ना? आखिर आप हमसे चाहती क्या है? हकीकत। हकीकत जानना चाहती हैं आप? तो फिर आज शाम आप हमारे साथ चलिए, आपका सामना हकीकत से करवाते हैं हम। हुकुम कीजिए पाशा। रुमेली रेलवेज के शेयर्स मैं इस रकम से खरीदना चाहता हूँ। पाशा, अगर आप मेरा मशवरा माने तो इतनी बड़ी रकम से किसी एक कंपनी के शेयर्स ना खरीदें। मुख्तलिफ शेयर्स खरीदेंगे तो आपको कीमत गिर जाने की सूरत में नुकसान कम होगा, बेहतर होगा कि एक बार फिर सोच लें। तुम मेरे साथ कभी खाने पर चलो, काफी काम आ सकते हो मेरे। माजरा चाहता हूँ जनाब। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, हमें मुसलमान पैदा किया और इतनी नेमतों से नवाजा। ऐ माफ करने वाले हमारे रब, हमारे अहलो आयाल कौम रियासत और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हर मुश्किल में साबित कदम रहने का हौसला अता फरमा। बेशक तू हर शय पर कादिर है, आजमाइशों में सुरखरू फरमा, इंसाफ करने की तौफीक दे, हमें माफ फरमा, दुश्मनों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाह। खाना शुरू क्यों नहीं कर रही? मुझे नदामत हो रही है सुल्तान। नादिम होना इंसान की खूबी है, लेकिन खुद को हलकान मत करो इस वजह से, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं आपको मारने की नीयत से महल में आई होती सुल्तान, तो मुझे कब का जेल में डाल दिया गया होता। तुम काफी दिन से हो महल में, जेल नजर आई तुम्हें? तकदीर ने तुम्हें खास मकसद के तहत यहां भेजा है, और हमारा ख्याल है वो मकसद यह है कि हम तुम्हारी मदद से गद्दार को तलाश कर सकें। खाना शुरू कीजिए। हम यहां दिल बहलाने आए थे, खाना खाने बिल्कुल नहीं। मैं खुश हूं और खुशी में बहुत भूख लगती है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी खाने पर टूट पड़ते। शता दे, आपका रवैया अजीब सा है, आखिर बात क्या है? साफ साफ बताइए सबाहतीन। आज मैंने अपने भाई के लिए एक कारनामा सरंजाम दिया है, जिसके बदले में आप मेरे गुलाम बन जाएंगे, मगर कबूल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं गुलामी के हक में नहीं।
सरप्राइज। क्या ये आपने? बाबा से इसका जिक्र मत कीजिएगा, मार डालेंगे वो मुझे। जो करना है जल्दी कीजिए। ठीक है ठीक है, बस बस, लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। आप आज से हमारे हकीकी भाई हैं सबातीन। आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैंने पहले भी कहा था, बाबा और आप में से मुझे किसी का इंतखाब करना पड़ा तो मैं आपका इंतखाब करूंगा मेरे भाई। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। हर एक पर शक किया हमने, आप पर भी किया, मगर अब आप पर पूरा एतमाद हो चुका है हमें। लेकिन एक मसला है, जब भी आपके और बाबा के दरमियान कोई मसला होता है तो मैं बेबस हो जाता हूं शहजादे। आपके बाबा पाशा हैं, लेकिन वो लायक एतबार नहीं। देखिएगा, बहुत जल्द उन्हें बाबा बेनकाब कर देंगे। कैसे हो गई ये? वो तो बीमार हैं। दुआ है अल्लाह उन्हें सेहत दे। झूठ कहा है सब लोगों से ताकि पकड़ा जा सके गद्दारों को। आज के बाद हमारे दरमियान कोई भी बात राज नहीं रहेगी, मगर ख्याल रहे किसी को खबर ना हो। रेल के जरिए कुस्तुम दुनिया जाते हुए एक बैंकर की हैसियत से मैं यहूदियों के चंदे की रकम को शेयर मार्केट में सरमायाकारी के जरिए कई गुना बढ़ाने जा रहा हूँ। हम यरूशलम को जंग से नहीं दौलत से हासिल करेंगे। इसराइल नज़दीक है, उसके बगैर दुनिया सही राह का इंतखाब नहीं कर सकेगी। इमैनुअल का रसूख ही मेरे साथ है, वो एक नाकाम आशिक है, अभी वो सो रहा है। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो एक अच्छा आदमी है। कुछ देर कबल मैं चौंक उठा था, मुझे लगा मैंने बाबा को देखा। वो मुझे हर जगह नजर आने लगे हैं, उन्हें बहुत याद करता हूं या उनसे डरता हूं ये मैं नहीं जानता। आप जैसे एक ईसाई फोटोग्राफर जो यूरोप में काफी मशहूर हैं, हैरत है कि उनके लिए काम करते हैं। मतलब वो कोई बड़ा आदमी है। आज रात जितनी भी तस्वीर खींची हैं वो सारी तुम मुझे दोगे, समझ गए? आप थके हुए लग रहे हैं जनाब, अगर आप चाहें तो कुछ खा पी लीजिए या फिर सो जाइए। शुक्रिया जनाब कार्गोपोलस, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि सुल्तान के सामने हाजिर होने का एक मौका मिल जाए मुझे। अब्दुल हमीद सिर्फ एक सुल्तान ही नहीं बल्कि एक मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक भी हैं। जब मिलेंगे तो देख लीजिएगा। सुल्तान से मिलने का मेरा पहले कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनकी इतनी तारीफें सुनी है कि मैं मजबूर हो गया। वो बहुत पुरखलूस शख्सियत हैं। राहदारी खाली करा दी आपने पाशा? जी करा दी मेरे सुल्तान, कोई भी आपको देख नहीं सकेगा। आफरीन सुल्तान मौज़म, कुछ महाफिज साथ रखें तो बेहतर होगा।
हम जलाल और कमालुद्दीन के साथ जाएंगे। तुम्हारी वजह से आज गद्दार पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह सुल्तान। मेरे सुल्तान, राहदारी बिल्कुल खाली है, आपको महल से निकलते हुए कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन हमें लोगों को दिखाने के लिए इन मोहतरमा को गाड़ी में सवार होते दिखाना जरूरी है। अगर उनका इरादा आसन को अगवा करने का हुआ तो महल से निकलते ही हमारा ताकुब शुरू हो जाएगा मेरे सुल्तान। अगर सारे इंतजाम मुकम्मल हैं तो फिर चलते हैं। सीधे जाना, मैं उसका रास्ता काटूंगा। अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कोचबान। इसके बाजू पर गोली लगी। रुको, मुझे बताएंगे कि कहां लेकर जा रहे हैं बिदार सुल्तान? सब्र करें जरा। यही रुकिएगा। आप बाहर जाइए। आइए हमारे साथ। कौन है ये? महल में जिस पर कातिलाना हमला हुआ था, मकबूला। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जिंदगी देने वाला अल्लाह है। बहुत बेहतर है इसकी तबीयत। बंद आंखों को देखकर गलत फहमी में मत पड़ जाना। जल्द ही ये ठीक हो जाएगी और बता देगी कि महमूद पाशा ने इसे इस हालत तक पहुंचाया। इसे कहते हैं हकीकत। तुम दोनों पर रहम आ रहा है मुझे। ओ, होशियार रहना। रुक जाओ, देख लो तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा। बाहर आ जाओ। चलते हैं पाशा, चलते हैं। तुम्हें इस गद्दारी का हिसाब चुकाना होगा। गद्दार हो तुम। नीचे फेंक दो अपने हथियार। ठीक है, ठीक है।
अब कैसे बच पाओगे पाशा? कैसे बचोगे बताओ जरा। चलो मुझे पाशा से आखिरी बार गले मिलने दो। मेरे भाई। ये कैसा लगा? हाँ सुल्तान मौसम, हम रवाना हो सकते हैं। जो दौलत की खातिर गद्दारी करता है उसे गुर्बत का सामना करना होता है, जो औरत की खातिर गद्दारी करता है उसे जिल्लत का सामना करना होता है। तुमने रियासत से गद्दारी की है, तुम्हें मौत का सामना करना होगा। बरखुरदार कमालुद्दीन, चलिए हिसाब लेने का वक्त आ गया है। कौन था वो? वही था जिसने सुल्तान पर जानलेवा हमला किया था। चलो उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। कहां चला गया वो? मुझे क्या पता यूसुफ, मुझे क्या पता। यहां खून पड़ा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हिरम उस आदमी को क्यों मारना चाहता है? हम ये किस खेल में फंसते जा रहे हैं? क्या हुआ? इस लड़की को जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, इसे जिंदा देखकर हमें खुशी क्यों नहीं होगी? अल्लाह इसे जल्द सेहतियाब करे। लेकिन हम एक बात पर बहुत ज्यादा हैरान हैं। कहिए आखिर वो क्या बात है? वहां सुल्तान को जहर दिया गया और हकीकत दिखाने के लिए आप हमें यहां लेकर चली आई बेदार सुल्तान। तो आपकी ये हैरत भी दूर कर देते हैं हम। सनेहा सुल्तान, सुल्तान को जहर नहीं दिया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। कैसे? तो महल में वो सब, वो तबीब? बिल्कुल, मंसूबा तो सुल्तान को जहर देने का था लेकिन बरवक्त रास फाश हो गया। ये खबर क्यों फैलाई कि उन्हें जहर दिया गया है? ताकि गद्दार गाफिल हो जाए और हमारे इस जाल में फंस जाए और इस तरह सबके सामने आश्कार हो जाए। हम और हमारे शौहर सुल्तान मुराद की तख्त नशीनी की राह हमवार करेंगे। इसी में सबकी भलाई है खदीजा, बाबा को राजी कर लीजिए, काफी है। बताइए करेंगी ना? सनेहा सुल्तान, सनेहा सुल्तान, हैरान हो गई ना आप? असल हैरत तो तब होगी जब ये होश में आकर महमूद पाशा के खिलाफ बयान देगी कि कातिलाना हमला करने वाला कौन था। बेदार खातून, एक बीमार लड़की दिखाकर इल्जाम लगा रही हैं कि इसने हमारे शोहर का नाम लिया और उम्मीद करती हैं कि हम यकीन कर लें। आप आखिर चाहती क्या हैं? खामोश होकर बैठिए खातून, मैंने कहा बैठ जाइए। जनाब बिन यामीन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। पाया तक में खुश आमदीद। बिन यामीन, यह नाम बहुत काम आता है। अपने सामान की तलाशी दीजिए। नहीं ले सकते, सिफारती पासपोर्ट है।
और सामान भी सिफारती है। माफी चाहता हूं जनाब, सामान की तलाशी दीजिए। तुम्हें ये सिफारती पासपोर्ट कहां से मिल गया हर्षल? अगर पारवो जैसे दोस्त हों तो किसी भी सिफारत खाने से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस बार फ्रांस को मुंतखब किया मैंने, कहो तो अमेरिका का पासपोर्ट भी बनवा दूं। अमेरिका का पासपोर्ट बनवाना फिर भी आसान होगा, लेकिन अगर पारवो इतना ही ताकतवर है तो उस्मानी पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा देता? हर जगह अहमियत मानी जाती है उसकी। कौन था अर्जल? नहीं कोई नहीं, ये लो आराम से। ऐसा कौन सा कीमती सामान है इसमें? अगर तलाशी ले ली जाती तो आखिरी सांस तक उस्मानिया सल्तनत के जिंदान में होते। अच्छा सा होटल तलाश कर लो, कल तुम्हारी मुलाकात सारा से होगी। तहसीन पाशा, सुल्तान मौज़म की सेहत के बारे में हमें कुछ तो मालूमात दीजिए। पहले से काफी बेहतर हैं। आप हमें तफसील नहीं बता रहे, लेकिन रियासती मामला तिलतवा का शिकार हैं। इज्जत पाशा दुरुस्त कह रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहे। जो लोग हमें बीमार समझ रहे थे वो सब के सब धोखे में रह गए, क्योंकि कोई बीमारी हमें हराती नहीं है बल्कि मजबूत कर देती है। आप लोग परेशान हैं, जानता हूं, लेकिन सच वो नहीं था जो आप लोगों ने देखा। सुल्तान मौज़म, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें यही इल्म था कि आपको जहर दिया गया है। कोशिश तो की गई थी पाशा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। हमारे जिस्म को तो जहर दिया जा सकता है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग को जहर आलूद नहीं किया जा सकता, यह मुमकिन ही नहीं। पाशा हजरत, यह सबके लिए मुश्किल वक्त है, आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं। मगर उसके लिए जरूरी है कि कोई गद्दार मौजूद ना हो हमारे दरमियान। मेरे सुल्तान, हम बहुत ज्यादा परेशान थे, अल्लाह आपको तवील उम्र अता फरमाए, लेकिन अगर पाशा हजरात को आगाह कर देते तो ज्यादा मुनासिब होता। ये मुनासिब नहीं होता पाशा, बिल्कुल भी नहीं। अपनी सफों में छुपे उस गद्दार को बेनकाब करने के लिए हमें यह खेल खेलना पड़ा। सुल्तान मौज़म, हमने अपनी आंखों से आपको बेहोश होते हुए देखा था, आपके चेहरे पर दाग भी थे। तहसीन पाशा आपको तफसील बता देंगे। हमारे सुल्तान को जब साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने मौलिजों को एक कहवा बनाने का हुक्म दिया, ऐसा कहवा जिसे पीने से जहर खारी के असरात नजर आए। जो होना था हो गया, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। सुल्तान को जहर दिया गया, हमें तो यही मालूम था। लेकिन क्यों, आखिर ये सारा खेल क्यों खेला गया? गद्दार की निशानदेही के लिए पाशा। तो क्या वो पकड़ा गया? जी हां। कौन है वो बदजात? महमूद पाशा। पहले जाहिर किया कि सुल्तान को जहर दिया गया है ताकि गद्दार उस लड़की को बचाने आए और सबके सामने जाहिर हो जाए। मंसूबा कामयाब रहा, उस लड़की को बचाने के लिए आए महमूद पाशा। उनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? महमूद पाशा ने यह जसारत किसकी शय पर की? सुल्तान चाहते हैं कि आप लोग इस मामले की तफसील से खोज लगाएं, एक काउंसिल बनाते हैं। उस्मान पाशा,
फुआद पाशा, वजीर इंसाफ नूरतन पाशा, सुल्तान के हुक्म के मुताबिक आप सब इस काउंसिल के अरकान होंगे। हमें करना क्या होगा? महमूद पाशा से पूछगछ कीजिए, उन पर तहरीरी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मालूम करना है कि उनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, ताकि उन पर भी बाकायदा मुकदमा चलाया जा सके। अब आप जा सकते हैं। समीर, मुझे कागज और कलम ला दो। सारा कागज और कलम, पागल हो गए हो क्या? सारा तुमसे जो कहा है बस वो करो। समीर, काफी खून निकल चुका है तुम्हारा। कागज और कलम तो मुझे। ठीक है, दे दी। उन्होंने मुझे धमकी दी और फिर गोली मार दी। मेरी खुशकिस्मती थी कि गोली बाजू को छूकर निकल गई। लेकिन गोली किसने चलाई तुम पर? अब्दुल हमीद का जासूस था वो। अब्दुल हमीद का? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अब्दुल हमीद के खिलाफ जो भी लिखता है उसे कत्ल कर दिया जाता है। वो हर बादशाह इंसान का दुश्मन है, मगर मुझे खामोश नहीं करा सकता। आजादी की तारीख हमेशा खून से रकम की जाती है। मैं तो मरकर दफन हो जाऊंगा, मगर मेरी तहरीर हमेशा जिंदा रहेगी। मेरा खून दूसरों को हिम्मत देता रहेगा और आजादी का परचम जालिमों के सामने बुलंद रहेगा। समीर, अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटी? मैं कुछ देखना नहीं चाहती, कुछ भी याद रखने से डर लगता है मुझे। तुमने तो कहा था माजी को याद करना चाहती और उसके लिए हमारी मदद भी मांगी थी। एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मैं। जो आपके लिए जहर ले आए वो जिंदगी नहीं चाहिए। मैं वैसी नहीं बनना चाहती, वो चेहरा मिटा देना चाहती हूँ। आपके दिए नाम के साथ एक नई पहचान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा पैदाइशी नाम हो। माजी से भागा नहीं जा सकता बेटी, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ की जा सकती है। हम पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहती हैं। पहले ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं। आप ये नहीं चाहती कि ये लड़की महमूद पाशा के साथ साथ आपका भी नाम आश्कार कर दे, ऐसा ही है ना? हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं। होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपका कोई लेना देना ना हो, ना हरम के साथ, ना महल के साथ, और ना ही सुल्तान के साथ। स्नेहा सुल्तान, बेहतर होगा हरम का इंतजाम मेरे हवाले कर दे। ऐसा क्यों करें हम? क्योंकि आपकी भलाई इसी में है।
आप अपने शौहर को बचाने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर सकती हैं। सुल्तान को बहन की गद्दारी की वजह से शर्मिंदा होते नहीं देख सकते हम। ठीक है, आज से हरम आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि किससे उलझ रही हैं। तैयार हो जाइए, आपकी आंखों पर पट्टी दोबारा बांधी जा रही है। हम वापस महल जाएंगे और आप जिस तरह आई थी उसी तरह वापस जाएंगी बगैर कुछ देखे। विदा खातून, याद रखिए बहुत जल्द फातिमा पसंद खातून महल तशरीफ ले आएंगी। हरम का इंतजाम अकेले आपके जिम्मे नहीं रहेगा। कौन है वो? स्नेहा सुल्तान। उन्हें आप यहाँ क्यों ले आई? बेफिक्र रहिए, उन्होंने ना रास्ता देखा है ना आपको, वो खुद से यहाँ कभी नहीं पहुंच सकती। ये लड़की जिंदा है, आपने इसे क्यों बता दिया? अगर इसने महमूद पाशा को बता दिया तो वो इस लड़की को तलाश कर ही लेगा। ये लोग हमारे साथ बहुत से खेल खेल चुके हैं महमूद, अब खेल खेलने की बारी हम लोगों की है। क्या करना चाहती हैं आप? देखिए भाई, महमूद पाशा की गद्दारी का मामला सुल्तान खुद देख लेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि स्नेहा सुल्तान अपने शौहर के साथ मिली हुई है या नहीं। ये बात जानना बहुत जरूरी है और आप भी जरा मोहतात रहिएगा। इस रूपोशी से तंग आ चुका हूँ मैं। तो ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ महल वापस चलिए और इस लड़की के होश में आने तक जिंदान में रहिए। देखिए महमूद भाई, सब लोग आपकी तलाश में हैं, जब तक ये लड़की होश में आकर अपना बयान नहीं दे देती आपको रूपोशी रहना है। जाइए। बहुत जच रहा है आप पे स्नेहा सुल्तान, चले चलते हैं। बहुत खुश लग रही है सुल्ताना। हाँ बिल्कुल, सुल्तान से जो मिलेंगे हम, और फिर दोनों मिलकर हम अपनी औलाद का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल कादिर और हम मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहती हैं तो खुद को महल की सियासत से दूर रखिएगा पाकीज़ा, इस तरह आप अपना वक्त मुफीद कामों में सर्व कर पाएंगी इंशाल्लाह। उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है? क्या उसे जहर तुमने दिया था? बताइए महमूद पाशा, बताइए। सुना है गद्दारी की है, ये भी हो सकता है कि फांसी दे दी जाए उन्हें। सुल्तान की वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हुआ तो हम सुल्तान समेत पूरे महल को आग लगा देंगे। वाह 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 वाह। वो छुरी कहाँ है? वहां कोई छुरी मौजूद नहीं थी वालिदा, महमूद पाशा ने खेल खेला हमारे साथ।